अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर। और बिजनेस मैथमेटिक्स में हमारा जो इस वक्त टॉपिक चल रहा है उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने लास्ट क्लास में जो किया वो था लास्ट क्लास हमने किया था डिस्टेंस, हम कर चुके हैं इसमें। इसके बाद हमने किया स्लोप। स्लोप के अलावा हमने नंबर थ्री जो शुरू किया था वो था इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फर्दर कैटेगराइज होता है। इसके अंदर पहली कंडीशन होती है व्हेन स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट इज गिवन। दूसरा होता है स्लोप एंड अ पॉइंट इज गिवन। तीसरा होता है व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन। और चौथा होता है व्हेन टू इंटरसेप्ट्स आर गिवन। ठीक है जी, अरीशा आ रही है बात समझ में? अरीशा गेशल है हमारे पास, उजैर है, नबील है, अब्दुल वहाब है। वीवो 1806 लिखा हुआ है, आप इसे कौन अपना नाम इसमें चैट में लिख दीजिएगा। ठीक है ना, मैं रीनेम का ऑप्शन भी खोल रहा हूँ, तो आप चाहें तो अपना नाम रीनेम भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हम बात शुरू करते हैं। बेसिकली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको चार डिफरेंट फॉर्मूले इस्तेमाल करने होते हैं। व्हेन स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट इज गिवन, ये हमने किया था। व्हेन स्लोप एंड अ पॉइंट इज गिवन, ये बेसिकली आज हम करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है, व्हेन स्लोप एंड अ पॉइंट इज गिवन। कभी कभी ऐसा होता है जी, कभी कभी ऐसा होता है सिग्नल कभी आगे पीछे हो जाता है, सिग्नल कभी तेज आते हैं कभी हल्के आते हैं, सिग्नल अपने इख्तियार में नहीं होता है। तो खैर, व्हेन स्लोप एंड अ पॉइंट इज गिवन, ठीक है जी, ये हेडिंग आ गई आप लोगों के सामने, हेडिंग है, ठीक है ना। अब इसमें फॉर्मूला क्या होगा, ब्रैकेट ओपन y माइनस y वन इक्वल टू m, m स्मॉल होता है, x माइनस x वन, ये इसका फॉर्मूला, y माइनस y वन इक्वल्स टू m x माइनस x वन। अब इसमें m क्या है जी, इसमें m जो नजर आ रहा है आपको वो स्लोप है, ठीक है, इसमें m स्लोप होता है और एक पॉइंट हमें गिवन होता है। एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है जी, नाउ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू
slope 5 and point 6 7। ठीक है जी, ये आ गया सवाल आपका। अब इसमें क्या कहा है कि भाई आपने जी, हो सकता है वक्ती तौर पर खुद ब खुद आवाज सही भी होगी और खुद ब खुद आवाज खराब भी होती है इसके अंदर ना। इंशाल्लाह मैं थोड़ा इसका इंटरनेट पे काम करवाऊंगा, थोड़ा इसकी स्पीड बढ़वा लूंगा ना आज, तो इंशाल्लाह कल आपको ये इशू नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा ओके। नाउ सबसे पहले जो हेडिंग हम डालेंगे डेट विल बी डेटा। डेटा में लिखेंगे एक्स वन, एक्स वन किसके बराबर है 6 के, वाई वन किसके बराबर है जी 7 के, एम बराबर है 5 के। ठीक है जी, ये हमने इसमें डेटा में वैल्यूज लिख दी। डेटा में हमें 3 वैल्यूज गिवन थी, जो स्लोप होता है वो एम होता है, तो एम की वैल्यू हमने लिख दी 5। अब जो एक पॉइंट, अगर एक ही पॉइंट गिवन होता है उसमें 2 वैल्यूज होती, पहली वैल्यू एक्स वन होती है और दूसरी वैल्यू वाई वन होती है। ठीक है जी, आ रही बात समझ में? अच्छा जी, अब तीनों वैल्यूज हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में हमने डेटा बना लिया, स्टेप नंबर 2 हमने फॉर्मूला की हेडिंग डाली। स्टेप नंबर 2 है, पहले स्टेप में हमने डेटा बनाया, दूसरे स्टेप में हमने फॉर्मूले की हेडिंग डाल के हमने इसके बाद नीचे हमने हेडिंग डालने के बाद फॉर्मूला लिख दिया। अब इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। देखें वाई की जगह पर वाई ही आएगा, माइनस वाई वन की जगह पर अब आ जाएगी वैल्यू, जो वाई वन की वैल्यू 7। तो y माइनस 7 इक्वल्स टू m की वैल्यू आप जानते हैं 5 है, तो हमने 5 पुट कर दिया, फिर ब्रैकेट ओपन किया जैसा कि फॉर्मूले में। x की वैल्यू कोई नहीं है तो x ही आएगा, माइनस एक्स वन की वैल्यू है हमारे पास 6। ठीक है जी, अब अगले स्टेप में क्या होगा, y माइनस 7, y माइनस 7 ही रहेगा, तो ब्रैकेट हमने ओपन किया, y माइनस 7 इक्वल टू, और हमने ब्रैकेट ओपन, y माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज इक्वल। अब देखें 5 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 5x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा माइनस 5 6 30। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, इसमें मल्टीप्लाई हो गया आपस में। ठीक है, अब y माइनस 7 इक्वल्स टू 5x माइनस 30, y माइनस 7 इक्वल्स टू 5x माइनस 30। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इक्वल के बाद वाली वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो जीरो कर देंगे यहाँ पर, जैसा कि आप जानते हैं जीरो हो जाएगा, जीरो इक्वल टू 5x माइनस 30। देखें इक्वल के राइट साइड पे अगर आप गौर करें तो पहले भी 5x माइनस 30 था, अभी भी मैंने 5x माइनस 30 पहले लिख दिया। अब इक्वल के दूसरी तरफ क्या है, एक प्लस का वाई है और माइनस का 7 है। अब दोनों वैल्यूज को हम राइट साइड पर, लेफ्ट साइड से हम कन्वर्ट करके राइट साइड पर लेकर आ रहे हैं, जब लेफ्ट साइड से कन्वर्ट करके राइट साइड पर लेकर आएंगे तो जो प्लस का वाई है वो इधर आकर माइनस का वाई हो जाएगा। प्लस का वाई था इक्वल के दूसरी तरफ गया, माइनस का हो गया, माइनस का 7 था इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है जी, माइनस वाई प्लस 7 हो गया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब देखिए अगेन जीरो इक्वल्स टू 5x माइनस 30 है ना, तो 5x आ जाएगा। अब हमेशा x के बाद y आता है तो माइनस का y पहले लिख देंगे, माइनस y माइनस 30 प्लस 7, आप कैलकुलेटर से करेंगे माइनस 30 प्लस 7 तो आंसर आएगा माइनस को 23। अब इसको सब अगर राइट साइड पे वैल्यूज लिखनी चाहिए तो बस अब राइट साइड पर वैल्यूज लिख देंगे सेम वैल्यूज, 5x माइनस y माइनस 23 इक्वल टू 0।
ये आंसर आ गया। ठीक है जी, तो दिस इज द आंसर। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अब आप एक और सवाल, मैं आपको बस बोल रहा हूँ वो आपने करना है। आप चाहें तो उसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप चाहें तो उसको रिकॉर्ड में रख भी सकते हैं। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप और से सुनिएगा सारा। क्वेश्चन था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द स्लोप 5। तो स्लोप की वैल्यू 5 है, तो हमने डेटा में एम में 5 लिख दिया। एंड अ पॉइंट 6 7, तो आप जानते हैं पहले पॉइंट में जो पहली वैल्यू होती है वो x1 होता है, दूसरी वैल्यू y1। तो हमने वही किया, पहले पॉइंट को हमने x1, दूसरे पॉइंट को हमने y1 कह दिया, और वैसे ही आपके सामने वो चीजें लिखी हुई। इसके बाद है जो फॉर्मूला, फॉर्मूले के अंदर हमने क्या किया, y-y1 = mx - x1। ये क्या है जी, ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमने क्या किया है कि वैल्यूज पुट किए, ठीक है जी, वैल्यूज हमने सब पुट किए। y1 की जगह पर y1 की वैल्यू आ गई, x1 की जगह पर x1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर आप इधर देखें, गौर करें इस पॉइंट पर, तो यही हुआ हुआ जब आपको बता रहा हूँ। एक पेंसिल ले लूँ आपके समझाने के लिए। देखें, अब ये y1 था ना, ये लिखा हुआ, ये जो y1 था, इसकी जगह पे देखें अब ये 7 आ गया। ठीक है, अब्दुल्ला ताहिर बेटा, ये क्या कीड़े मकोड़े बना रहे हो, पिटोगे तुम। अच्छा, तो अब देखिए y-7 y1 की जगह पर 7 आ गया। इसी तरह ये देखें, x1 लिखा हुआ था, x1 की जगह पर हमने x1 की वैल्यू आ गई, ये आ गई x1 की वैल्यू 6। y की जगह पर y रहा, x की जगह पर x1। अब क्या हुआ, 5 को x-6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 5x-30 हो गया। 5x 5x और 5 6 30 हो गया, ठीक है ना। अब देखें, ये 5x-30 हमने एज इट इज लिखा है, 5x-30। अब ये प्लस का वाई और माइनस का 7 था, इक्वल के दूसरी तरफ गया, तो प्लस का वाई माइनस का वाई हो गया, माइनस का 7 प्लस का 7। उसके बाद हमने 5x लिखा पहले, फिर ये माइनस वाई जो था ये हमने पहले लिख दिया, और -30 + 7 हमने जब सॉल्व किया तो -23 हो गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी, इस तरह सॉल्व हुआ है। आप 2 से 3 बार मजीद भी आप वीडियो सुन सकेंगे इंशाल्लाह, जैसा कि मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। अब आपने करना क्या होगा कि जब हमारे स्लोप और एक पॉइंट वाले सवाल जो इस एक्सरसाइज में आए हुए हैं, वो आप काफ़ी कोशिश कीजिएगा कि आप उसको सॉल्व करें, ठीक है ना। और ये मैं अपने चैनल पर डालूंगा, कराची एजुकेशन फॉरम यूट्यूब पर मेरा चैनल है, वहाँ पर ये वीडियो मिलेगी आपको, तो उसको आपने सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। आज थोड़ा जल्दी ऑफ करनी पड़ेगी आपको, पता है, क्योंकि थोड़ा लेट स्टार्ट हुई है, ज़्यादा ही थोड़ा एडजस्टमेंट में टाइम लग गई ना लैपटॉप के, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह कल फिर मज़ीद बात करेंगे। कल इंशाल्लाह कराची एजुकेशन फॉरम नाम है, मैं आपको लिंक भेजूंगा आपके ग्रुप में, तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह लंबी क्लास लूँगा आपकी ना, कल 6:30 बजे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।